हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में खुश रहना चाहता है, लेकिन दोस्त कोई भी अपने लाइफ में खुश नहीं रह पाता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपना फाउंडेशन ही गड़बड़ है। किसी भी चीज का अगर फाउंडेशन गलत हो जाए तो पूरा का पूरा चीज ही खराब हो जाता है। सपोज डेट अगर बात करूंगा, अगर घर बना रहे हो, अगर घर का फाउंडेशन गड़बड़ हो जाए तो पूरा का पूरा घर गिर जाएगा। वैसे ही दोस्त अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग है, अगर अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन गड़बड़ हो जाए तो अपने लाइफ का हर एक चीज बर्बाद हो जाता है, हर एक चीज खराब हो जाता है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में खुश रहना चाहता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का फाउंडेशन गड़बड़ है। हर एक चीज क्लियर करूंगा दोस्त, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर करता हूं। आप सही तरीके से समझते चलो, हर एक चीज को सही तरीके से समझ पाओगे। और बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी दोस्त। आप अपने लाइफ में हमेशा खुश रह सकते हो। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ, सही से आप समझो, फिर आप अपने लाइफ की रिकॉर्डिंग, कभी भी आपको खुश होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा खुश रह पाओगे और सबको खुश रख पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता वो व्यक्ति किसी और को खुश नहीं रख सकता। इसलिए दोस्त हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझो, सही तरीके से आप समझ पाओगे और आप अपने लाइफ की रिकॉर्डिंग हमेशा खुश रहोगे। सबसे पहले समझते हैं कि अपने लाइफ का फाउंडेशन कैसे गलत है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा चीज है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग के अगल बगल जितना भी आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, हम लोग का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग के फैमिली का जो भी एटमोसफेयर है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपना जो भी लाइफ के रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सब कुछ स्टार्टअप यहीं से होता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त, इस चीज को समझने के लिए बचपन से एक ही चीज हम लोग को सुनने को मिलता है और हमेशा एक ही चीज सुनाया जाता है, अगर घर वाले के नजर में अच्छा बनना है तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा बेवकूफ, गधा, नकामा, निकाड़ा हो। आप ऐसे समझ सकते हो, शुरू से बचपन से यही सुनने को मिलता है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने फैमिली की नजरों में अच्छा बनना है, अपने सोसाइटी की नजरों में अच्छा बनना है, तो आपको कुछ करके दिखाना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करके दिखाना है, अच्छा जॉब लेना है। लेकिन बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त, इस चीज को समझने के लिए आप अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग हर एक चीज कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो उस काम को कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त, इसको समझने के लिए इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा चीज है। जो चीज आपने सोचा उस चीज को आप कर सकते हो, क्योंकि व्यक्ति उसी चीज को सोच सकता है जिसको कर सकता है। हमारे लाइफ का शुरुआत ही करवाहट और दुख से होता है दोस्त, आप इस चीज को समझते हो और जानते हो ना, मानते हो इस चीज को ना, कि अपने लाइफ का शुरुआत जो होता है ना, करवाहट और दुख से होता है। अगर ऐसा, अगर आपका स्टार्टअप हुआ है, ऐसा शुरुआत हुआ, तो इस कंडीशन में आप कैसे खुश रह सकते हो? जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति अपने लाइफ के रिकॉर्डिंग इस कंडीशन से बाहर निकलता है, व्यक्ति सोचता है कि मैं खुश रहूं। लेकिन एक बात बताओ, आप कैसे खुश रह सकते हो जब आपका स्टार्टअप ही करवाहट से है, दुख से हुआ है, तो आप कैसे खुश रह सकते हो? लेकिन बड़ा सिंपल सा चीज है इस चीज को समझने के लिए दोस्त, अगर किसी भी चीज में नमक डाल दिया जाए तो उसको नमकीन बना देता है। चाहे अच्छा से अच्छा मिठाई आपको ला के रख दिया जाए और उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा मिठाई नमकीन कर देता है। पूरा का पूरा पानी में अगर नमक डाल दिया जाए तो पूरा पानी नमकीन कर देगा। नमक कड़वाहट का सिंबल है दोस्त, और चीनी मिठास का सिंबल है। अगर किसी भी चीज में डाल दिया जाए वैसे ही मिठास आ जाता है दोस्त, वैसे ही अपने लाइफ की रिकॉर्डिंग होता है। अगर आपके लाइफ की रिकॉर्डिंग, आपका स्टार्टअप मिठास से नहीं होगा, आपके स्टार्टअप में मिठास नहीं होगा, तो आप अपने लाइफ में कैसे खुश रह सकते हो? बड़ा सिंपल सा चीज है इस चीज को समझने के लिए, कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अगर आपका स्टार्टअप करवाहट से होगा तो पूरा का पूरा लाइफ करवाहट होगा। अगर आपका स्टार्टअप मिठास से होगा तो आपका पूरा का पूरा लाइफ मिठास से भरा रहेगा। आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि एक खुश व्यक्ति ही दूसरे को खुश रख सकता है, एक खुश इंसान ही अपने फैमिली को खुश रख सकता है। इसलिए दोस्त बड़ा सिंपल सा चीज है इस चीज को समझने के लिए, आप अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो मिठास भरो, स्टार्ट करो, क्योंकि फाउंडेशन जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाउंडेशन फिर से किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है। आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग हर एक चीज को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हो, तो चाहे आपके लाइफ में दुख हो, खुशी हो, सुख हो, कोई भी चीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हर एक कंडीशन को एंजॉय करो,
हर एक सिचुएशन को सही तरीके से एंजॉय करो, मजे करो दोस्त, तभी आप जाके अपने लाइफ में खुश रहोगे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग के साथ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ नहीं कि सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अरे प्रॉब्लम आ गया। लेकिन दोस्त अगर आप उस प्रॉब्लम को भी इंजॉय करते हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग किसी भी चीज को इंजॉय करो, हर एक चीज का सॉल्यूशन निकलता है। हम लोग के लाइफ में हर एक चीज कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा बीमार क्या हो गए, थोड़ा बीमार हो गए, बेड पकड़ लिए, लो भाई बीमार पड़ गया, अब तो हो गया अपना काम, बीमार पड़ गया। लेकिन दोस्त उसमें भी मजा है, अगर बीमार पड़ गए तो उसको भी इंजॉय करो ना। 4-5 दिन बिस्तर पे पड़े हुए हैं, मजे हैं, इंजॉय करो हर एक चीज को अपने लाइफ के रिगार्डिंग, इंजॉय करना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे सिचुएशन कंडीशन कोई भी परिस्थिति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हो दोस्तों, हर एक टाइम को आप इंजॉय करो, क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्त। अगर लाइफ में खुश रहना है, अगर लाइफ में सुख शांति से रहना चाहते हो और हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो हर एक टाइम को, हर एक मोमेंट को इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि बड़ा सिंपल सा चीज़ है। चाहे दुख हो, सुख हो या प्रॉब्लम हो, कोई भी कंडीशन हो, आप हर एक टाइम को और हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि बड़ा सिंपल सा दोस्त फैक्ट है, अगर लाइफ में खुश रहना है तो आपको हर एक टाइम को एंजॉय करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त पूरी लाइफ तो दुख सुखाते रहता है, तो हर एक कंडीशन को एंजॉय करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने लाइफ में खुश रह सकते हो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कॉन्टेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक।